और नया इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जो कि आपका माइक्रोबायोलॉजी लैब में एप्लीकेबल है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है डिजिटल क्लोनिंग काउंटर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम एक एक पार्ट उसका डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से पार्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्विच लगा लेते हैं। ठीक है, प्लग, और हमने इसको ऑन कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं किया हमने, इसका स्विच लगा के ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद क्या किया हमने, अब देख रहे हो आप, हमारे पास एक डिजिटल सेंसर पेन है। दिस इज, तो हम देख रहे हैं इसमें एक हमारे पास डिजिटल सेंसर पेन है। ठीक है, दिस इज डिजिटल सेंसर पेन। ठीक है, और हमारे पास एक रीडर है, डिजिटल रीडर है जो कॉलोनी नंबर ऑफ कॉलोनीज को बताएगा। और एक हमारे पास है मैग्नीफाइड लेंस, दिस इज ए मैग्नीफाइड लेंस। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमारा एलुमिनेटिंग सरफेस है और वाइट कलर की जो इसमें है वो लाइट लगी हुई है। तो हम इस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने जो पेट्री डिस्क है उसको प्लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो और जो हमारा सैंपल है, ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको पेट्री डिस्क पे रख दिया और उसको एलुमिनेटिंग जो वाइट सरफेस है हमारा डिजिटल कॉलोनी काउंटर का, मैंने उस पर रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप सबसे पहले हैंडल करेंगे आप डिजिटल पेन, सेंसर हमारा डिजिटल। अब इस पर हम देखेंगे कि जो हमारी कॉलोनीज हैं, उनका शेप कैसा है। ठीक है, शेप कैसा है या फिर कितनी कॉलोनीज हैं हमारे पास। ठीक है, तुम कैसे पता करेंगे, अब देखो आप क्लियर फोटो में दिख रहा होगा वीडियो में कि हमारे पास एक पेट्री डिस्क है और इसमें कॉलोनीज डेवलप हुई है। कॉलोनीज मतलब द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या फिर फंजाई हो सकता है। अब हम देखेंगे मैग्नीफाइड लेंस से कि कैसा शेप है उसका। ठीक है, मैग्नीफाइड लेंस से हम देखेंगे कैसा शेप आ रहा है हमारा कॉलोनीज का। ठीक है, अगर आप क्लियर सीन कर पा रहे हैं, तो देखो ये आपको शेप दिख रहा है यहाँ पे। अब एज सच आपको शेप दिख गया, अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है, हैंडलिंग करके देखते हैं। अब देखो जैसे कि हाँ, अब देखते हैं हम, लाइक हमने हल्का सा टिप किया, बीप की आवाज़ आ गई इसमें। ठीक है, बीप की आवाज़ आई और यहाँ पे डिजिटल जो पैनल लगा है आपका उसमें एक आ गया, मतलब नंबर ऑफ कॉलोनीज एक काउंट हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड पे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये है, डिजिटल काउंट हो गया, बीप की आवाज आई, सेकंड हो गई, कॉलोनीज नंबर टू। सबसे अच्छी पहचान आइडेंटिफिकेशन है, अगर जो सेंसर हमारे पास लगा हुआ है डिजिटल उसमें बीप की आवाज आ रही है, इट मीन जो हमारी कॉलोनीज हैं वो काउंट हो रही हैं। ठीक है, फिर हम एक बार ट्राई करते हैं। चलो अब हम इधर से ले लेते हैं, ये हमारे पास कॉलोनीज अगर आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ पे देख लो आप डिजिट में, थ्री नंबर ऑफ कॉलोनीज थ्री हो गई, हमने पहले किया, सेकंड किया एंड थर्ड किया। ठीक है, इसी तरह आपको पूरा प्रोसेस करना है, पूरी कॉलोनीज पता लग जाएंगी आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका शेप, शेप कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो इसको ले लो आप, दिस इज, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो वो इररेगुलर शेप में है, दिस इज ये। ठीक है, दिस इज इररेगुलर शेप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, ये आपका सर्कुलर है, गोल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आपका सर्कुलर है, इररेगुलर हो गया। इसके अलावा फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर भी आ रहे हैं इसमें, ये, ठीक है, दिस इज लाइक फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेप हैं आपके, इररेगुलर हैं, सर्कुलर हैं, फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये स्पोर्स लाइक फंगस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये, ठीक है, तो इसमें भी हम पता कर सकते हैं कॉलोनीज को। अब यहाँ पे हमने ये देखो यहाँ आ गया, ठीक है, सिक्स हो गया, फाइव था, सिक्स हो गया हमारे पास। तो ऐसे हम पूरे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं और हमें पता लग जाता है कि नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी है आपकी पेट्री डेस्क पे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन है कोई कमेंट से, तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट्स।